हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल माई टारगेट बाई मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग औकलज का अनुप्रयोग भी कहते हैं। और आज का जो है हमारा प्रश्नावली 6.3 है ना, एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया है, और उसे भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का, और आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, जो जो कॉन्सेप्ट अभी लगेगा फिलहाल में जो प्रश्न में, ठीक है, वो हम आपको कराते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला से, और उससे पहले थोड़ा सा उसमें का बेसिक जो है वो आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो ये है हमारा अब स्पर्श रेखा का प्रवणता के बारे में जानेंगे हम लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि वक्र क्या है, है ना, वक्र क्या होता है, इसे हम आपको फिल करके दिखाएंगे एकदम, है ना। उसके बाद फिर स्पर्श रेखा आता है, एक क्या आता है दोस्तों, स्पर्श रेखा। उसके बाद फिर एक और इसमें आएगा प्रवणता, और इसमें आ जाएगा हमारा, और जानेंगे हम लोग कि अभिलंब क्या है हमारा, ठीक। फिर प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता क्या हो जाएगा, उसी प्रकार स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होगा, इसके बारे में अभी तुरंत जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे प्रश्न चलेगा ना, वैसे वैसे भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ऐसे तो कॉन्सेप्ट का वीडियो हमने डाल रखा है, तो उसे अगर नहीं देखे तो उसे भी देख ले, ठीक है। प्लेलिस्ट में लिंक दे दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और आपको सारा वीडियो जो है अवेलेबल है, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर कि वक्र क्या है। तो वक्र जो होता है दोस्तों, वक्र आप इसे भी कह सकते हैं, ठीक। ये वक्र इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। ये जो होता है पार्ट हमारा वक्र कहलाता है, या ये इस तरह भी हो सकता है, मतलब इसका ये। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा, एक वक्र हो गया, है ना। और वक्र इसे हम लोग कह देंगे, ठीक है ना, ये पूरा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र। अब देखिए कि अगर हम लोग इस वक्र पर एक रेखा इस पर सटाकर हम खींच दे, है ना, तो ये रेखा जो है इस वक्र को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। स्पर्श मतलब छू रहा है ना। तो जो छू रहा है ना, ये रेखा इस वक्र को छू रहा है, इसलिए इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। ओके, क्या कह देंगे दोस्तों, स्पर्श रेखा। और इसे क्या कहेंगे, इस भाग को हम लोग, इस पूरे वाले भाग को, ये वाले पूरे भाग को वक्र कहेंगे, है ना, वक्र कह देंगे। अब देखिए कि स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होता है, तो उससे पहले और भी देख लिया जाए थोड़ा सा इसमें। ये जो अगर मान लीजिए कि इस स्पर्श रेखा पर हमने एक लंब डाल दिया, ये हमने एक लंब डाल दिया, है ना, अभिलंब, जिसे हम लोग अभिलंब भी कहते हैं। तो ये क्या होगा कि लंब डालने का मतलब होता है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, है ना, एकदम ऊर्ध्वाधर एकदम खड़ा रहेगा इस क्षैतिज वाले पे, है ना। तो ये हमारा जो होता है अभिलंब होता है, ठीक। तो अब देखिए कि यहां पर जैसे कि ये तो हमारा हो गया बेसिक, जो कि आप समझ चुके हैं। यहां पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होता है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है, कुछ भी दे देता है, जैसे कि आपको y बराबर दे देगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, कुछ भी दे सकता है ना। तो इस प्रकार हमारा जो होता है स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, तो जब आपको y बराबर कोई समीकरण दे दिया, मान के चलिए कि आपको दे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx, है ना, तो आप इसका क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, अवकलन। तो डी वाई ओवर क्या हो जाएगा, dx, और आप देखेंगे x स्क्वायर का जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x हो जाता है। तो 2x a प्लस x का अवकलन 1 होगा, ये b, है ना।
तो ये क्या होगा, इस स्पर्श रेखा के समीकरण का प्रवणता हो जाएगा, है ना, यानी कि स्पर्श रेखा का क्या हो जाएगा, ये प्रवणता। अब देखिए कि प्रवणता का जो ये वैल्यू जो है, ये तो एक समीकरण के रूप में हो गया। अगर आपसे बोल दिया कि आपको किसी पॉइंट पर बोल दिया कि स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए, है ना, जैसे कि बोल दिया कि यक्स बराबर 2 पर आप स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए, है ना, और ये समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप dy by dx करेंगे, उसके पश्चात फिर क्या करेंगे कि x का मान हम लोग इसमें रख देंगे, x का वैल्यू दिया रहेगा। तो जब x का वैल्यू दिया रहेगा तो फिर स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होगा, तो इस तरह लिखेंगे dy ओवर dx, और किस पॉइंट पर हमको हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, x बराबर 2 पर, तो यहां पर रख देंगे, जहां x है वहां पर क्या रखेंगे 2, तो रख देंगे यहां पर 2 इंटू 2 और a प्लस बी हो जाएगा, है ना, तो 2 दूना 4 ये हो जाएगा हमारा 4a प्लस बी। ओके, तो आपको ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे कि फिर से मैं बता दूं कि अगर स्पर्श रेखा का समीकरण y दिया रहेगा तो उसका हम लोग अवकलन निकाल देंगे, और जिस पॉइंट पर कहेगा प्रवणता ज्ञात करने के लिए, एक्चुअल में तो यही हो गया हमारा प्रवणता, है ना, लेकिन जिस पॉइंट पर कहेगा उस पॉइंट पर हम लोग x का वैल्यू रखकर और उस dy by dx का संख्यात्मक मान निकाल देंगे, है ना, वही क्या हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा का प्रवणता हो जाएगा। और यदि आपको अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करना है, इस अभिलंब का, है ना, अभी तो हमने इस स्पर्श रेखा का, ये जो स्पर्श रेखा है जो वक्र को स्पर्श कर रहा है, तो उसका हमने प्रवणता ज्ञात कर लिया। अब हम इस अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करेंगे, तो अभिलंब का प्रवणता क्या होता है, तो यहां पर हेडिंग डाल लेंगे हम लोग अभिलंब का प्रवणता। अभिलंब का प्रवणता दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्पर्श रेखा का प्रवणता आया है उसको हम लोग विपरीत कर देते हैं, तो वो अभिलंब का प्रवणता हो जाएगा, है ना, जैसे कि हमारा स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या आया है, तो 4a प्लस बी, है ना, तो अभिलंब का प्रवणता क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 1 बटा में स्पर्श रेखा का प्रवणता, स्पर्श रेखा का प्रवणता प्रवणता। अब देखिए कि तो अभिलंब का प्रवणता क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि माइनस 1 बटा में स्पर्श रेखा का प्रवणता हमने क्या निकाला, dy ओवर dx, किस पर, x बराबर 2 पर, 4a प्लस बी आया है, यहां पर केवल खाली क्या लिख देंगे 4a प्लस बी, है ना, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए दोस्तों कि सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया जाए, तो अब हम लोग चूंकि क्लास 11th में क्या पढ़ चुके हैं कि जब अभिलंब और स्पर्श रेखा एक दूसरे का लंबवत होता है, तो मान लिया कि यह स्पर्श रेखा का जो है, स्पर्श रेखा का प्रवणता जो है आपको m1 दे दिया, है ना, और अभिलंब का प्रवणता हमारा m2 है, मान के चलिए अभिलंब का जो प्रवणता आएगा क्या आएगा, m2 ही आएगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे पर लंब होता है तो इसका फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर -1, है ना, कहने का मतलब है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के जब लंबवत होते हैं तो उन दोनों के प्रवणता का गुणनफल जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको m2 का मान निकालना है, यानी अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करना है दोस्तों, तो ये स्पर्श रेखा के प्रवणता गुणा में है, इधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी स्पर्श रेखा का प्रवणता मालूम हो तो आप अभिलंब का प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो वही हमने निकाल लेंगे यहां पर कि m2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा m1, तो बात वही पड़ा जो कि हमने यहां पर लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो क्लास 11th से भी थोड़े बहुत रिलेटेड करता है कुछ कॉन्सेप्ट जो है। तो चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग पहला देखते हैं 6.3 का। तो यहां पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या पहला दोस्तों कि वक्र, अब की बार हमारा वक्र का समीकरण दे दिया है y = 3x^4 - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, है ना।
तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वक्र वो लिख लेंगे हम लोग, कि चूंकि दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। अब इसका अवकलन कर देंगे, है ना, तो लिखेंगे यक्ष के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पे। प्रवणता हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे किस पर, तो यक्ष बराबर चार पर, है ना। तो यहां पर देखिए कि dy ओवर क्या हो जाएगा, dx। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों dy ओवर dx, और इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर n के रूप का है, तो चार जो है तीन का, चार में तीन का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, और x टू दी पावर 4 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब, और यहां पे बचेगा माइनस का 4, है ना। अब देखिए कि हमें निकालना है स्पर्श रेखा का प्रवणता यक्ष बराबर 4 पर, तो हम लोग यहां पर, तो यहां पे हमने लिख दिया इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता यक्ष बराबर 4 पर, तो ये हम लोग लिखेंगे dy ओवर dx, और कितने पर दोस्तों, तो यक्ष बराबर 4 पर, है ना। तो यहां पे रख दीजिए आप कि 12, और यक्ष का मान क्या है तो 4, यहां पे 4 का क्यूब कर देंगे, उसके बाद माइनस का 4, उसके बाद अगर आप देखें तो 12 और 4 का क्यूब क्या होगा 64, है ना, और माइनस का 4, ओके, माइनस का 4 हो जाएगा। अब अगर इसे हल करें हम लोग तो 12 चौके 48 हो जाएगा, हाथ में 4 12 छक 72 और 4 76 हो जाएगा, और माइनस का 4, और इसे जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 764, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप कि वक्र दिया हुआ है, वक्र का समीकरण y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और x इज इक्वल टू नॉट 2 के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो वही बात है दोस्तों, चूंकि जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि वक्र जो है y बराबर इतना दिया हुआ है, और कारण दे दिया है कि आपको x बराबर 2 नहीं लेना है, और x बराबर 10 पर आपको रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि चूंकि दिया है y बराबर, है ना, और कितने पर हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो x बराबर 10 पर ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है ना। तो चूंकि आप देखिए यहाँ पर कि ये है हमारा, अगर हम लोग इसका अवकलन करते हैं तो ये पोर्शन जो है u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है ना। तो आप क्या जानते हैं डी यू बाई वी बराबर, तो ये फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो यहां पर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि डी यू बटा में भी जब होता है अपॉन डी एक्स, तो जो नीचे वाला होता है वो बाहर यू का अवकलन, है ना, फिर माइनस ऊपर वाला बाहर यानी कि यू बाहर भी का अवकलन बटा में भी स्क्वायर। ये तो आप जान रहे, 5 अध्याय पढ़े होंगे तो, है ना, सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले कि ये भी का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस 2, तो यहां पर लिखेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 को बाहर कीजिए, है ना, और एक्स माइनस 1 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स का 1 और 1 का क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर माइनस यू बाहर है, यू का काम कौन कर रहा है दोस्तों, एक्स माइनस 1 हमने लिख दिया है यू, है ना, तो ये बाहर हो जाएगा एक्स माइनस 1, और भी का अवकलन होगा एक्स माइनस 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, ओके, बटा में भी स्क्वायर यहां पे लिखा है, तो भी का काम कौन कर रहा है एक्स माइनस 2, तो यहां पे लिख लेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम लोग इसे अच्छी तरह से। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 में 1 का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा एक्स माइनस 2 ही हो जाएगा, फिर माइनस, अब ये क्या हुआ हमारा, एक्स माइनस 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो एक्स माइनस 1 ही हो जाएगा, अब माइनस का, माइनस का गुणा कर देते हैं एक्स में तो माइनस एक्स, फिर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें यहां पर कि ये माइनस है ये प्लस है, कट गया, माइनस 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 बटा में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। मीन्स इसका क्या है, तो यहां पर अब हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए कि x बराबर 10 पर हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का प्रवणता x बराबर 10 पर।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने लिख दिया, ठीक है, और x बराबर 10 पर चेक करना है, तो क्या है हमारा -1/(-1)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 /(
तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों, वक्र हमको दे चुका है y बराबर x क्यू माइनस x प्लस 1 या स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक क्या दिया है 2। तो यहाँ पे x निर्देशांक देने से आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं लेना है। x निर्देशांक मतलब x अक्ष पर ही निर्देशांक जो है 2 है, ठीक है। तो x का मान कितना है 2 दे दिया है यहाँ पर। अगर कल दिन y का निर्देशांक बोल दिया तो दोस्तों y का मान क्या होता है 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वक्र वो लिख लेंगे और x बराबर 2 पर हमें स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि दिया है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि दिया है और x बराबर 2 पर हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, अवकलन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n का अवकलन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जो है पावर वो नीचे आ जाएगा और 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा स्क्वायर। फिर x का अवकलन क्या होता है 1 हो जाता है और फिर 1 एक हमारा अचर संख्या है यानी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका। तो मीन्स ये की डीवाई बाई डी एक्स जो है 3x स्क्वायर माइनस 1। अब बोला है x बराबर 2 पर, तो डीवाई बाई डी एक्स को ही तो हम लोग प्रवणता कहते हैं। तो अब निकाल देंगे हम लोग केवल संख्यात्मक मान यानी x बराबर 2 पर हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्पर्श रेखा का प्रवणता x बराबर 2 पर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे डीवाई ओवर डी एक्स x इज इक्वल टू 2 पर, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 x का मान 2 रख देंगे, स्क्वायर माइनस का 1। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 1 और बच जाएगा 11 और यही क्या होगा दोस्तों आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है दोस्तों, कि वक्र हमारा दे दिया है वक्र y इज इक्वल टू x क्यू माइनस 3x प्लस 2 या स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर दिया है उस बिंदु, है ना, उस बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको वक्र दिया होगा ये वक्र और इसके किसी भी पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा का जो है प्रवणता आपको ज्ञात करना है। तो और बोल दिया है कि जो यक्ष जिसका यक्ष निर्देशांक जो है 3 दे दिया है, तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लेना है। आपको पता चल गया कि हमको वक्र जो है y इक्वल टू ये दे चुका है और x निर्देशांक हमने अभी अभी बताया कि x निर्देशांक बोल रहा है, तो x का मान 3 हो जाएगा और उसी पर आपको x अक्ष का ये वक्र का स्पर्श रेखा का हम लोग प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया है वक्र, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस वक्र का जो दिया हुआ है इसका हम लोग अवकलन निकालेंगे। अवकलन ही तो स्पर्श रेखा का प्रवणता कहलाएगा, है ना। लेकिन किस पर, उसका संख्यात्मक मान निकालना है, वैल्यू निकालना है कि एक्चुअल में वैल्यू क्या होगा। तो x बराबर 3 पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पे x टू दी पावर n के रूप का है, तो हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस का 3 और ये 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण x बराबर 3 पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता x बराबर 3 पर, तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और कितने पर, तो x बराबर 3 पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पर, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 3, x की जगह पर 3 रख देंगे, स्क्वायर माइनस का 3। तीन का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 3 27 में से 3 घटेगा तो 24 बच जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श रेखा का प्रवणता उस बिंदु पर, है ना। तो आंसर। अब चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो रहा है ना, तो अच्छी तरह आगे भी क्वेश्चन लगाएं ताकि आपका प्रिपरेशन जो है अच्छी तरह से हो पाए। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है।
और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और ये सब्सक्राइब जो है बटन आप क्लिक करते हैं तो इसका कोई भी लागत नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें का सारा वीडियो जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आप अपना प्रिपेयर करें अपने आप को, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।